मुंबई और गुजरात के बीच में कल खेले गए आईपीएल को 57वां मैच। इस मैच में मुंबई की टीम पहले खेली और 218 रन दर्ज दिया। गुजरात की टीम तो टॉस जीता बाद में भी पहले को नहीं खेली। अगर पांडे की टीम पहले खेलती तो बाने कम पदनों पड़ता हूँ। और आजकल तो सूर्य बाबा जी साबू खेल पर लाग रहे है, तो बिना रोकनो तो कोई कभी बस की बात को नहीं लाग रही। अब तो यहाँ लागे लागो की यो छोरो आईपीएल की ट्रॉफी ले रही मानसी। मजा आया। बम्बई की टीम की ओर से काल तो रोहित और किशन भी बड़े टोरा मारिया और बाद में सूर्य बाबा आके बाकी काम कर डाले। सूर्य बाबा आता ही बड़ाबड़ लग गयो और देखते ही देखते शतक मार डाले और इस बार शतक में छह लंबा लंबा छक्का मेल दिया। काल आड़ो मैच भले ही मुंबई जीत गई, लेकिन राशिद दियो भी चोखो खेल दिखायो। राशिद मुंबई के चार छोरा ने आउट करो और जब खुद खेलना आयो जनाबो 10 छक्का लगा गो। छोरो आपकी टीम ने जीता भाई, खूब मेहनत करी लेकिन जीता को नहीं पायो। गजब बेइज्जती है। अब आप बात करते हैं कि इस मैच में सबसे बढ़िया कौन खेलो, तो इस मैच में राशिद खान सबसे बढ़िया खेलो। जो छोरो चार ने आउट भी करया और सागर सागर ही आपकी टीम के लिए रन भी बनाया। लेकिन इस मैच के बाद में मैन ऑफ द मैच तो दियो गयो सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपकी टीम के लिए शतक मारे और टीम ने जिता भी दी। अब अगर आप इस मैच में सबसे तगड़ी बॉलिंग के बारे में बात करा, तो इस मैच में राशिद खान ने सबसे तगड़ी बॉलिंग करी। राशिद खान ने मुंबई का चार छोरा ने आउट करो और बाका गिल्ला उड़ा दिया। जो छोरो दिन ब दिन आपको खेल दिखावे है और टोरा भी चोखा मारा लागो आजकल तो यो। अब आप बात करते हैं इस मैच का सुपर स्ट्राइकर के बारे में, यानी कि अगर अपनी भाषा में बोला तो इस मैच में सबसे फास्ट कौन खेलो, तो इस मैच में सबसे फास्ट खेल की बात करा तो इस मैच में सबसे फास्ट खेलो राशिद खान। राशिद खान इस मैच में सबसे फास्ट खेलो। यो छोरो 246 की स्ट्राइक हूँ भाग्यो और लंबा लंबा 10 छक्का मिला। भी हैं तो इस मैच में सूर्य बाबा ने शतक लगाए हो और सबसे चौको खेलो, लेकिन बाद में भी देखो जावे तो राशिद खान भी कम को नहीं खेलो। लेकिन बस बात इतनी है कि राशिद खान की टीम हार गई और सूर्य की टीम जीत गई। अब अगर आप बात करें कि आज शाम की का मैच हो सी, तो पहला मैच हो सी गौतम गंभीर टीम को और बी के साथ हो सी हैदराबाद की टीम, और दोनों टीमों में से जो भी टीम आ जाएगी तो बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से 12, और जो टीम जीतेगी तो बिन मिल जाएगा एक चांस। और बी के बाद में रात में भिड़सी पंजाब वाली और दिल्ली वाला छोरा भिड़ेगा आपस में, और इनमें भी जो टीम जीतेगी बात तो और इनमें भी जो टीम जीतेगी बिन मिल जाएगा एक मौको और जो आ रहेगी बस आएगी आपके घर। अब आगे जो जो मैच होती बम में जखी जखी टीम आती जासी बस असी आपके घर और बाकी ने मिलती जासी एक मौको। और अगर थाने अगर ये वीडियो तो खुला गया है तो ये वीडियो थारा भाई लागन भेजो और बने भी दिखाओ और मारो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से इन्हें सब्सक्राइब कर लो। देखो थारे मारो वीडियो सो